अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुश रखे, आमीन। अब हम बकायदा अपनी पढ़ाई का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारा उनवान है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातमा जना। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना हैं। कायद आज़म हमारे अजीम रहनुमा हैं। फातमा जना कायद आज़म की सबसे छोटी बहन हैं। आप पाकिस्तान के क़याम में पाकिस्तान कायद आज़म के साथ साथ रहीं। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे सफ़ा नंबर 19 की। हमारा उनवान है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातमा जना। मोहतरमा फातमा जना कायद आज़म मोहम्मद अली जना की सबसे छोटी बहन थी। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। पाकिस्तान के क़याम की तहरीक में फातमा जना ने अपने भाई का कदम कदम पर साथ दिया। उन्होंने ख्वातीन को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर जमा किया और उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उनकी खिदमत के सिले में उन्हें मादरे मिल्लत का लकब दिया गया। इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने के बाद मोहतरमा फातमा जना को उनके भाई मोहम्मद अली जना ने 1919 में कलकत्ता के डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिल करा दिया। वो कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम रही, यानी वहाँ पे रही। उन्होंने वहाँ दिल लगाकर पढ़ाई की और 1922 में डेंटिस्ट यानी दांतों के मालिश की सनद हासिल करने के बाद अपने भाई के पास बम्बई आ गए। मोहतरमा फातमा जना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो कायद आज़म के साथ 5 साल तक लंदन में रहीं। वहाँ की तरक्की देखकर वो इस नतीजे पर पहुँची कि ये सब कुछ आज़ादी की बदौलत है, यानी कि आज़ादी की वजह से है। उन्होंने जान लिया कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फातमा जना आम लोगों की भलाई के कामों में मसरूफ़ हो गई, यानी कि भलाई के कामों में लग गई। कराची में ख़तून पाकिस्तान स्कूल खोला, जो बाद में ख़तून पाकिस्तान कॉलेज बन गया। वो गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त करती थी। मोहतरमा फातमा जना को बचपन ही से किताबें पढ़ने का शौक़ था। वो बहुत सलीकामंद थी, साफ़ सुथरा लिबास पहनती, अपनी किताबें और दूसरा सामान सलीके से रखती, अपना काम वक्त पर करती। उन्हें हमेशा सच बोलने की आदत थी। प्यारे बच्चों, आज हम अपना सबक सफ़ा नंबर 19 के आखिर तक पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पे निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे कि हमने यहाँ तक पढ़ाई करनी है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने अल्फाज मायने पढ़ेंगे। आज़ादी, जैसा कि आपको पता है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो आज़ादी का मतलब है गुलामी से निजात मिलना, यानी आज़ादी, निजात, खुद मुख्तारी, इताअत, फरमाबरदारी, बंदगी, बदौलत, वजह से, बाएस, भलाई, बेहतरी, तरक्की, बुलंदी,
तरक्की आगे बढ़ना। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने सवालात पढ़ते हैं। सवाल नंबर एक है, मुख्तरमा फातिमा जना का कायदे आजम से क्या रिश्ता था? जवाब है, मुख्तरमा फातिमा जना कायदे आजम मोहम्मद अली जना की सबसे छोटी बहन थी। सवाल नंबर दो है, मुख्तरमा फातिमा जना कब पैदा हुई? जवाब है, मुख्तरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। प्यारे बच्चों, आपने बहुत वजह से अपनी पढ़ाई याद करनी है और अपना घर का काम करना है, घर के काम को अपने याद करना है, जिनका आपको याद करना है, घर के काम को आपने लिखना है, आपने सवाल नंबर एक और दो लिखना है। शुक्रिया।